10 लोग अस्पताल में भर्ती है तुम्हारी दवा की वजह से, और तुम बोले हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं। मजाक समझ रखा है क्या? मुझे टॉर्चर करने से सच बदल नहीं जाएगा। I was not going to the hospital for 10 days. शादी थी मेरी। Let my lawyer come. तभी बात करूंगा मैं आपसे। और अगर आपने ये टॉर्चर करना बंद नहीं किया ना, तो मैं आप लोगों पे केस करूंगा फॉर ब्रूटैलिटी। अच्छा चलो, ये बताओ कि तुम्हें लंदन से क्यों निकाला गया था? लंदन से आपका क्या मतलब है? यही की बात करिए ना। मतलब है साहब, बहुत बड़ा मतलब है लंदन से, क्योंकि आजकल लोग कांड यहां करते हैं और भागते लंदन को है। आपका उल्टा है, आपने कांड लंदन में किया है और भाग कर यहां आए। खबर रखते हैं हम सबकी, पुराने खाक हो तुम, वहां भी कांड किए थे। तुम्हारे चक्कर में एक आदमी का हाथ काटना पड़ा था कि नहीं? बेटा अब नहीं बच सकते तुम। अरे मैं हॉस्पिटल से रिजाइन कर चुका था, मेरे नाम पे दवा कैसे आ सकती है फिर? और मैं स्विट्जरलैंड में हूं, तो तुम्हारा इंटरोगेशन कैसे कर सकता हूं? अब बोलने में क्या जाता है? पकड़े गए हो तो तुम्हारे मन में जो आए वो बोलो, और हमारे मन में जो आएगा वो हम बोलेंगे। तुम्हारी दवाइयों के रिसीट पे जो तारीख थी वो तुम्हारे इस्तीफे के पहले की थी। डॉक्टर बाबू, क्राइम तो आपने कर दिया है, आज कबूल नहीं कर रहे, लेकिन साला कल कबूल करना पड़ेगा। अगर कबूल नहीं करोगे तो हमें अच्छी तरह से कबूल करवाना आता है। सोच लो। अरे मुझे फंसाया जा रहा है, शुक्ला से क्यों नहीं पूछते आप? अरे वो मालिका हॉस्पिटल के ट्रस्टी, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरी कोई गलती नहीं है। अबे बुलबुल हो क्या, जो हर आदमी तुम्हें कैद में फंसा लेता है? वकील साहब, वो निर्दोष है, जाने माने डॉक्टर है वो यहाँ के, ऐसा क्यों करेंगे? आप समझाइए ना जज को, समझाइए ना। माताजी सब बोल के देख लिया, फिर भी बेल रिजेक्ट होगी डॉक्टर वीर की। हमने कोशिश की, लेकिन केस कोर्ट में पहुंचने से पहले मीडिया में इतना उछल गया कि लोअर कोर्ट भी सेफ प्ले कर रहे हैं। 10 लोग बीमार हो गए हैं, 6 लोग मौत से जूझ रहे हैं। सबूत चाहिए होगा हमें, तभी हम डॉक्टर वीर को बचा सकते हैं। आप किसी भी वकील से बात कीजिए, सब यही बोलेंगे। अच्छा चलता हूँ, बाकी कोशिश तो मैं पूरी कर ही रहा हूँ। उमा, भाभी को भी अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया है, आई थिंक हमें उन्हें बता देना चाहिए। कैसे बता दे, बोलो कैसे बताएं? वीर भी बोल कर गए थे ना कि कृष्णा को कुछ नहीं कहना है। क्या सोचेगी बेचारी, शादी का पहला दिन और उसका पति जेल में पहुंच गया है। माँ हम फोन कर रहे हैं। बुआ जी, वो हमें ना थोड़ा अजीब लग रहा है। पहले हमने सोचा कि वीर बिजी होंगे, इसलिए हमने दोबारा कॉल भी नहीं किया, पर मैसेज का रिप्लाई तक नहीं दिया। कुछ तो गड़बड़ नहीं? हमारा मतलब है कि एक फोन तो कर सकते थे ना वो, बताइए 2 घंटे हो गए हैं। भैया सुन लो, 2 घंटे हो गए वीर ने फोन नहीं किया। बिट्टो कुछ भी बोल दिया, काम में बिजी होगा भाई। ये देखिए नैनी से कॉल करवा रहे हैं, अभी हम बताते हैं। हेलो नैनी, अपने दद्दा से कह दो कि वो ऑलरेडी बहुत गड़बड़ कर चुके हैं,
अब तक कोई भी प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए हैं वो। नैनी, नैनी तुम रो रही हो, क्या हुआ है? भाभी वो पुलिस घर पे आई थी, कांदा को लेकर चले गए, उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, नकली दवाई बनाने का। क्या? भाभी, माँ भी बहुत परेशान है, प्लीज प्लीज आप घर आ जाइए। हम अभी आ रहे हैं। कृष्णा बेटा सब ठीक है ना? डॉक्टर बाबू क्यों? पापा जी टॉप प्रेस में कवर फैली हुई है, ये डॉक्टर बाबू बचेगा नहीं, पर डाउट ये है कि आप मंत्री से बोलेंगे क्या? क्या बोलना है, मंत्री जी भी वही बोलेंगे जो बाकी सब बोल रहे हैं। देखना तुम, हम मंत्री जी को एहसास दिला देंगे कि वो गलत आदमी को चुने थे। अरे आप यहाँ पर हैं, हम आपको आंगन में देख रहे थे। चाय? हाँ रख दो। लो हम रख देते, लो। हाँ तो जाओ। हाँ तो पापा जी आप मंत्री जी को संभाल। तारीफ सुन रही हो अपनी? ना ना, तारीफ सुनने के लिए खड़ी हो? तुमको शर्म नहीं आता है, है? दिमाग खराब है तुम्हारा? कान लगा क्या खड़ी हो तुम दरवाजे पे? है? तुम हमारी जासूसी कर रही हो शुक्ला? दोबारा ऐसा ना हो, जाओ यहाँ से। अरे हम कह रहे हैं जाओ। सुनो मित्र लोकी। जी बाबा। अपने मेहरारू को भी समझा देना, बात जो है ना ससुर बाहर नहीं जानी चाहिए, बता रहे हैं। घर में ही चोर और जासूस हो गए हैं हमारे। कृष्णा कहाँ है वीर? हमें उनसे मिलना है अभी। मैडम उनसे कोई नहीं मिल सकता, सिर्फ वकील को अलाउड है मिलने के लिए। हमें उनसे मिलना है, कैसे नहीं मिल सकते हम? हम उनकी पत्नी हैं। हाँ आप उनकी पत्नी होंगी, लेकिन ये ड्राइंग रूम नहीं है, ये पुलिस थाना है। हम भी देखते कि हम उनसे कैसे निकल सकते। अरे बेटा, अरे हवलदार, अरे फिर आप ठीक तो है ना? इन लोगों ने आपके साथ कुछ किया तो नहीं? मम्मी ने आपसे मना किया था ना? हाँ बेटा, मगर कृष्णा फाइन, डोंट वरी, कुछ नहीं हुआ मुझे, ओके? प्लीज तुम रोना बंद करो, तुम स्ट्रांग हो ना। इसलिए मैंने कुछ नहीं किया हुआ, ओके? मैं सॉरी लाओ, प्लीज डोंट वरी। ये ऐसा है मैडम, आपको अगर अंदर जाना है तो हम आपको भी अंदर डलवा देते हैं। अजब है आप, यहाँ पे तमाशा मत कीजिए, जाइए सब लोग बाहर, निकलिए। देखो ना बेटा, हमें भी मिलने नहीं दिया, क्या करें अब? और वकील साहब अलग परेशान है, बेल नहीं हो पा रही है ना, इसलिए। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, वीर ऐसा नहीं कर सकते, कोई तो रास्ता होगा। क्या रास्ता बताए हम, वो नकली दवाइयां खुद चलकर डॉक्टर साहब के रूम में पहुंच नहीं गई होगी। अरे घपला किया है उन्होंने, इतनी सारी दवाइयां उनके देखरेख के बिना अस्पताल में गई कैसे? वो भी 3 साल पहले की एक्सपायरी वाली। मैडम लोगों की जान जा रही है, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं।
कुछ करना है तो उन्हें बोलिए कि जुर्म कबूल करे, नहीं तो कल सुबह केस कोर्ट में पेश होगा और डॉक्टर साहब 3 साल के लिए अंदर। वीर तो 10 दिन से अस्पताल गए नहीं। अरे कहाँ भैया दरोगा जी, सब ठीक है ना? नो, प्रेशर वेसर तो नहीं दे रहा ना ये लोग? हाँ, 15 दिन की मेडिकल की पढ़ाई करके लौकी हुई लंदन की डॉक्टर नी, अब सब ठीक है ना? हैं? वो हनीमून का डॉक्टर साहब महंगा गिफ्ट देना चाह रहे थे नहीं? हैं? इसीलिए इतनी नीच हरकत की हमारे अस्पताल के साथ। अरे कहा है ना, पैसे का जो लालच है ना आदमी को भ्रष्ट कर देता है। डॉक्टर साहब, आपको हमारा बयान चाहिए था ना, हम स्वयं चलकर आए हैं कानून की मदद करने के लिए, आप लिखिए हमारा बयान। थैंक यू शुक्ला जी। गोपीनाथ, शुक्ला जी का बयान नोट कर लो। देखो भैया गोपीनाथ, हम गजोधर शुक्ला, सिविल लाइंस कानपुर, हम ये स्वीकार करते हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती जो है वो ये है कि डॉक्टर वीर सहाय को अपने अस्पताल से जोड़ लीजिए। आज जो कर्मकांड यहां अस्पताल में हुआ है ना, इससे हमारे अस्पताल का हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये सब उनका किया था रहा है। उन्होंने जो हमारे साथ विश्वासघात किया है, इस अस्पताल के साथ जो दुष्कर्म किया है, कानून उनको कड़ी से डाले। तब हमारे अस्पताल को और हमको, हमारे राधे नाम के अस्पताल को सुकून मिलेगा। हम भी देखते हैं कि आप हमारे पति को लॉकअप में कैसे रखते हैं। कल सुबह तक हम हमारे पति को यहां से निकलवा लेंगे। शुक्ला जी के बयान में ये भी लिख लीजिएगा दर्द ठीक है दुबे? हमारा दर्द शुरू होने वाला है। अरे ससुर के नाटी दर्द शुरू होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।